ये जो नाम से विदित हो रहा है, ये जो योजना है, इसमें समृद्धि के साथ साथ हम लोग सुरक्षा भी दे रहे हैं। समृद्धि का मतलब ये है कि हर महीने आप 10,000 रुपये जमा करते हो तो 100 टाइम्स आपको मेच्योरिटी अमाउंट में मिलेगा, और 100 टाइम्स ही हम आपको इंश्योरेंस भी दे रहे हैं। इसलिए इसका नाम ये लिखा है, सुरक्षा के साथ साथ समृद्धि भी है। और इसका जो हमने एंट्री पॉइंट रखा हुआ है, मिनिमम 10,000 इसका इंस्टॉलमेंट होगा और 18 साल से लेके 50 साल की उम्र तक इसको करवा सकते हैं। और इसका ज़रूरत पड़ने पर या एक्सीजेंसी या इमरजेंसी कोई आ जाती है, मेडिकल एक्सीजेंसी आ जाती है या घर में कोई शादी है, तो हम लोग टाइम से पहले भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। और इसके ये स्कीम के ऊपर आपको लोन भी मिल सकता है ताकि आपको मुश्किल नहीं आना चाहिए। इसमें सबसे नई बात क्या है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है। जैसे मैंने बताया 100 टाइम मेच्योरिटी अमाउंट है, 84 महीने में आपको 10 लाख रुपये मिल रहे हैं। और इसमें हमने कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम ऐड नहीं किया है। मार्केट में आप जाते हैं 10 लाख का इंश्योरेंस लेने के लिए, तो उसके लिए आपकी एज के हिसाब से, आपकी जो पीरियड के हिसाब से कितने साल का आपको इंश्योरेंस चाहिए, तो आपको उसमें प्रीमियम ऐड करना पड़ता है। तो हमारी इस स्कीम में आपको ग्रोथ मिलेगा, उसके साथ इंश्योरेंस फ्री मिल रहा है। और इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या प्रोसीजर है और डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं? डॉक्यूमेंट में इसमें आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, आपकी एज 18 साल से 50 साल तक होनी चाहिए, और जो ले रहा है कस्टमर वो एक अर्निंग मेंबर होना चाहिए ताकि उसका पता लगे कि उसको सैलरी मिल रही है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका अपना बिजनेस है, सो दैट वो हर महीने 10,000 मिनिमम या 10,000 से ज़्यादा भी करना चाहता है, तो उससे हमें श्योरिटी हो जाए कि उसका रेगुलर इनकम है। देखो, ये हमारा बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर हो या कोऑपरेटिव बैंक हो या कोई नई नई कंपनीज खुल जाती हैं जिनका नाम भी आपने नहीं सुना, हमारा बैंक 112 साल पुराना बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। और इनके रिजल्ट आप देखते हो कि हर क्वार्टर में पेपर में छपते हैं, हमारा जो शेयर है वो भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, और स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक का नाम तो हर एक को पता ही है, तो इसमें ऐसा कोई किसी नागरिक को डरने की ज़रूरत ही नहीं है।